परिषद है, कुछ दिनों से शांतिनगर और आजू बाजू के एरिया में भिवंडी शहर में घरफोड़ी, चोरी और मोटरसाइकिल चोरी, बड़ी गाड़ियां चोरी, इस तरीके की वारदात हो रही थी। तो बहुत बड़ी कामयाबी शांतिनगर पुलिस स्टेशन को मिली है। उसमें जो है जो डीबी के रविंद्र पाटिल और अमलदार, उनको खबर मिली थी कि कुछ ये एरिया में ऐसे लोग जो है इस टाइप के गुनाह कर रहे, तो दो लोगों को ताबे में लिया है। उसमें बिलाल अहमद सलीम अंसारी चौहान कॉलोनी में रहता है, और दूसरा जो है वो इसकी तरफ से हमने दो मोटरसाइकिल और कोनगांव की और दो शांतिनगर की, ऐसी चार मोटरसाइकिल बरामद की है। उसके बाद जो है अशफाक अली असगर अली अंसारी, 24 साल उम्र है इसकी, परवेज मोहम्मद नन्हे शाह, ये गुलजार नगर भिवंडी में रहता है। और इन दोनों की तरफ से जो है लगभग 54,250 रुपये कीमत की जो चोरी की घड़ी है, मतलब 250 घड़ी जो है बरामद की है, उनको भी ताबे में लिया है। उसके बाद जो है खालिद अब्दुल कासिम खान, पटेल नगर बंजार पट्टी नाका भिवंडी में रहता है। दूसरा है बबलू चिकना उर्फ फैयाज अहमद रियाज अहमद शेख, यूनुस नगर भिवंडी एरिया में रहने वाला। और तीसरा पिंटू कुमार कमलेश केशरवानी, ये 34 साल का है, सुंदर बेनी कंपाउंड घुंगन नगर कल्याण नाका भिवंडी में रहता है। इनकी तरफ से इनको ताबे में लेके जो है घरपुड़ी के तीन जो है गुने उसमें डिटेक्ट हुए। उसमें से जो कपड़े का ताग है, तो कपड़े का ताग और कोमचे थैले, ऐसा 6,48,900 रुपये कीमत का मुद्देमाल जो है बरामद किया, और तीन ऑफेंसेस इसमें रजिस्टर हुए, ऑफेंस डिटेक्ट हुए। और दूसरी और एक कामयाबी मिली है, उसमें आरोपी शहनवाज उर्फ शाबी इफ्तिकार हुसैन, उम्र है 32 साल, बड़ा गांव पोस्ट साहिरो मोहिद्दीनपुर तहसील शाहगंज जोधपुर फातिमा नगर में फिलहाल रहने वाला है भिवंडी। दूसरा आरिफ नूर मोहम्मद शेख, मौलीगंज नेशनल मेडिकल के सामने धुले, इसके इनको ताबे में लेके इनके पास से बोलेरो पिकअप तीन जो गाड़ियाँ हैं, वो तीन जो गाड़ियाँ जो है उनको डिटेक्ट हुई है। और ऐसा बोलेरो तीन जो टोटल मिला के मुद्देमाल जो है वो 4,55,000 रुपये का टोटल मुद्देमाल है। ऐसा मिला के कुल जो टोटल 11 गुने जो है शांतिनगर पुलिस स्टेशन ने डिटेक्ट किए हैं, उसमें से टोटल 11 आरोपी, 8 आरोपियों को अरेस्ट हुआ है, उसमें से दो जो है एमसीआर हो गए, बाकी के लोगों की आरपीसी खत्म हो रही है। तो टोटल ऐसा 12,88,150 रुपये का जो है पूरा मुद्देमाल बरामद हुआ है। और ये जो पूरी जो कामगिरी की है, एसीपी प्रशांत ढोले उनकी टीम, सीनियर पीआई जो है राहुल साहब, उसके बाद किरण कबाड़ी, पीआई विक्रम मोहिते, पीआई नीलेश बड़ा, पीएसआई रविंद्र पाटिल, पीएसआई नीलेश जाधव, एएसआई भोला साहेब शेड़के, पुलिस नायक सुशील इथापे, पुलिस नायक तुषार वड़े, पुलिस नायक रिजवान सैयद, पुलिस नायक प्रसाद काकड़, पुलिस नायक श्रीकांत पाटिल, पुलिस नायक किरण जाधव, पुलिस नायक किरण मोहिते, पुलिस सिपाही अमोल इंगड़े, पुलिस सिपाही रविंद्र पाटिल और दीपक सानप, ये सब लोगों ने मिलकर ये पूरे जो है इस अच्छी कामगिरी पूरे इसमें की है। हमें पता चला कि कुछ आरोपी भी इसमें और होने की संभावना है, उनकी भी छानबीन अभी चल रही है। उस लोगों को हम अभी टीम गई है हमारी उनको पकड़ने के लिए, तो आज या कल के दिन में और आरोपी उसमें मिल सकते हैं। आरोपियों का कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है? हाँ, ये कुछ आरोपियों का इसमें से क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसके ऊपर पहले से गुनाह दाखिल हुए, हिसाब से प्रिवेंटिव एक्शन आगे के दिनों में हम करेंगे उनके ऊपर।